टीम के इजीली बिकॉज इस रॉक के पीछे ही सारे प्लेयर्स हैं। देखिए सी दैट थर्ड पार्टी कमिंग इन टीम रेस राइनो गेट नॉट डाउन एंड यहां पे राइट ओके टीम रेस ओपी भी नॉट डाउन होता हुआ वही थर्ड पार्टी एंड किल्स इजीली मिले। टैक्सी अकेला बचा हुआ इनके स्क्वाड के लिए। साहब वास्तु यहां पे कंपाउंड के जो गेट है वो बर्स्ट डाउन करके चेक कर रहे हैं कि अंदर कोई है कि नहीं, बट के वहां पे ऑलरेडी अपना रोटेशन कर चुका है। आई थिंक वास्तु देख चुका होगा उसके एडीएस में दिखा नहीं, मेरे ख्याल से नहीं देखा, स्कोप में नहीं आए वो। एंड जोन और एक नया बन चुका है 270 मीटर्स अवे फ्रॉम देम। तो यहाँ पे तीन स्क्वाड्स हैं इन टोटल, क्या होगा? लेट्स सी। किलर H2O वहाँ पे साइक के विचर को ग्रेनेड से नॉकआउट करते हुए। ओके सो वन वर्सेस वन सिचुएशन यहाँ पे बॉब और किलर के तो फाइव बॉब का तीनों तीनों बंदे रखते हैं बॉब वर्ड ओपी पे। यहाँ पे बॉब के कंप्लीट स्क्वाड को उन्होंने वाइप आउट किया। PSY यहाँ पे अपने टीम के लिए नौ किल्स लेते हुए। केतन अगर इन लोग यहाँ से गेट अ गुड स्पॉट गेट अ गुड पोजीशन, यहाँ पे और एक किल स्टील किया इसने PSY के मेजर अल्फा ने एंड दे हैव 10 किल्स ऑलरेडी विद 45 प्लेयर्स अलाइव। आई थिंक PSY यहाँ पे अपना बात कर रही है कि हम लोग जिस लेवल पे खेलते हैं आई थिंक दे डेफिनेटली हैव द स्किल सेट जो हमें क्लियरली देखा जा रहा है। यहाँ पे MYM के वैम्पायर ने NTT नियो को स्पॉट कर लिया एंड उनको फिनिश कर देना। आई थिंक NTT इज आउट ऑफ वैम्पायर विद दैट डबल किल एंड Entity has और been eliminated. Vampire is taking kills after kills. वो इस टूर्नामेंट के टॉप फ्रैगर मुझे नजर आ रहे हैं इस वक्त अंटिल कैरी कुछ कर सके। बट कैरी का नाम लेते कैरी ने VSXL को नॉक किया। प्रो गेमिंग YT ने VS मान को नॉक किया एंड आई थिंक OR इज गोइंग इन स्ट्रॉन्ग। पर यहाँ पे एक चीज है OR को ध्यान रखना चाहिए कि उन लोग थर्ड पार्टी में ना फंस जाए। साइक विचर ने नेट से कैनी के H2O को नॉक करते हुए। बट यहाँ पे OR कैरी की एक अच्छी बात है कि हमेशा उसका ADS ओपन रहता है सो दैट ही कैन सी हिज एनिमीज वेयर आर दे। एंड TBP लेने वाली बात रही तो उनका एक कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा भी करना है। लेकिन डैमेज बट यहाँ पे MYM क्लोक को कवर फायर मिलता हुआ। यहाँ पे साइक के प्लेयर यहाँ पे दो प्लेयर नॉकडाउन है। MYM वैम्पायर ओपी इज आल्सो 1 HP ओवर देयर। बट यहाँ पे साइक का स्क्वाड पीछे से BT दे सकते हैं। अभी यहाँ पे साई वासु मेजर अल्फा एंड सीरी दे आर गोना क्लोज इन टुवर्ड्स द MYM स्क्वाड। ओवर का यहाँ प्लेयर भी यहाँ पे एक शायद से नॉकडाउन होता हुआ उधर राइट साइड पे। बट साइक बाबा ओपी वैम्पायर ओपी यहाँ पे नॉक एंड फिनिश होता हुआ मेरे ख्याल से नजर आएगा जल्दी। यस यहाँ पे PSY 3 मैन खेल रहे हैं फिर भी 13 किल्स ऑलरेडी इन्होंने ले चुका है एंड दे आर स्टिल मूविंग इनटू द जोन। किल मूव का इनका स्ट्रेटजी चल रहा है। दे आर ट्राइंग टू जस्ट स्टिल ऑल द किल्स मेक श्योर दैट दे गेट दोस किल पॉइंट। विचर को यहां पे PSY के मेजर अल्फा ने किल स्टिल किया। बाबा ओपी उसके सामने ओपन पे जा रहे हैं एंड आई थिंक विल मैनेज अनदर किल फॉर हिज टीम। एंड मेजर अल्फा यहां पे अनस्टॉपेबल है विद ऑलरेडी 4 किल्स एंड अ लॉट ऑफ नॉक्स। आई थिंक मेजर अल्फा इज MVP फॉर मी ऑलरेडी इन दिस गेम। ओके बट यहाँ पे देर यू कैन सी 13 किल मिल चुके हैं। ये 20 किल से बीच में नहीं मेरे को नहीं लगता रुकने वाले अगर ये लोग चक्कर निकालते हैं। यहाँ पे रेड्स भी स्पॉटेड हुआ है जल्दी नॉक होता हुआ नजर आएगा। देर यू कैन सी मेजर अल्फा फिर से एक और नॉक लेता हुआ एंड फॉर श्योर फिनिश भी होता हुआ नजर आएगा जल्दी। VSXL यहाँ पे नॉकडाउन होता हुआ और एक्सिस्टेंस कमिंग इन टू द गेम एंड यहाँ पे पिंटू मैन भी नॉकडाउन होता हुआ। कर्मा इग्नाइट प्रो गेमिंग YT ने नॉक करा फिर से ओवर संधू को। सो संधू यहाँ पे मेरे ख्याल से तीसरा या चौथा रैप होता हुआ उसका एंड प्रो गेमिंग YT विल गेट फिनिश ओवर हियर। मेजर अल्फा फिर यहाँ पे फिर से यहाँ पे गेम में साइक का एक और प्लेयर यहाँ पे नॉकडाउन करा। प्रे आई थिंक अगर करेगा तो फिनिश हो जाएगा बट स्टिल ही इज ओपी ही कैन नॉक एंड फिनिश अ गाय विद जस्ट स्प्लिट हो चुके हैं। मावी देखो कितना दूर है। अगर रेव देना है तो संधू को कवर फायर देना पड़ेगा बट देवांश खुद वहां पे अकेला है। दे आर स्टिल नॉट इन द जोन बट आई थिंक मावी के पास यहां पे संधू को एग्जिस्टेंस को रेव देकर जाना चाहिए। बट यहां पे RIP स्काई दे आर आल्सो ट्राइंग टू मेक इन टू द जोन। एग्जैक्टली गॉड्सरेन की तरफ क्लोज इन कर चुकी है RIP की स्क्वाड। एग्जिस्टेंस RIP लेजेंड के हाथों फिनिश हो चुका है। सुनकर ये यहां अगर PSY ये सक्सेसफुल ले लेती है एंड गॉड्स का मनु भी नॉक कर दिया। तो आज के दम पे PSY यहां पे बहुत ही प्यारा मार्क बनाते हुए विद 18 किल्स ऑलरेडी एंड दे आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। गॉड्स के सिर्फ दो ही बंदे बचे हैं, चार टीम्स 10 लोग एंड PSY इज ऑलरेडी आई गेस अगर उन लोग इसी तरह से कर जाए बट गॉड्स की तरफ से सिर्फ को नॉक किया दैट कुड बी गेम चेंजर। ओके सो यहां पे सीरवी नॉक डाउन है। दे आर ऑलरेडी 2 मैन स्क्वाड। अब देखते हैं यहां पे वो डिसीजन क्या लेते हैं सीरवी को रेव देने के लिए फॉर श्योर। बट उन लोगों को अब ये वाली बात रहेगी कि ओवर संधू और मावी वो लोग भी जिंदा है। ये लोग भी दो बंदे हैं इनके पास फर्स्ट एड्स वगैरह सब कुछ है। देखिए RIP का स्क्वाड यहां पे आई थिंक दे आर ट्राइंग टू गो टू द जोन बट यहां पे मीनवाइल कहीं और से उनको पड़ी सीरवी ने शायद उनको नॉक करा एंड दे आर साइक का स्क्वाड निकाल चुका है गॉडलेन को पूरा वन साइडेडली। अब देखिए
के पास आ रहे भी का स्क्वाड पुश करे बाजू गया बाहर एंड सीर भी कॉट नॉट 10 मिनट पासू गया बाहर आ रहे भी का कॉट नॉट बट यहां पे नारुतो भी बने थे टेम्पेस्ट एंड दे हैव गॉट साइको स्क्वाड पूरा ओवर के दो प्लेयर हो चुका है ओवर का एक प्लेयर बचा हुआ है एग्जिस्टेंस शायद से और आई थिंक इट इज 1v2 इट्स संधू रिमेनिंग एंड वो जोन के बाहर है हील बैटल का अगर उन्होंने किल फीड पे जरा सा ध्यान दिया होता तो 2 वर्सेस 1 सिचुएशन था एक्चुअली बट देयर यू गो आई गेस यहां पे आरआईपी गॉट दैट चिकन खत्म एंड आरआईपी विद दैट ब्रिलियंट चिकन डिनर विद 11 किल्स आरआईपी ने जो गॉड के ऊपर पुश किया विद द हेल्प